सभी को नमस्कार, मैं हूं रविंदर बंसल, ट्रैवल आइडियाज बाय रवि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टूर कटरा से पटनी टॉप का है। वहां जाने के लिए हमने इनोवा बुक की है। तो इस वीडियो में मैं आपको पटनी टॉप और उसके आसपास की सारी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। और इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल ट्रैवल आइडियाज बाय रवि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हमारा थोड़ा चाय पीने का मन है और यहाँ कटरा में एक नई शॉप खुली है मुंबई चाय के नाम से। हम वहीं जाके चाय पीते हैं और उसके बारे में भी आपको बताते हैं। चाय के अलावा क्या क्या चीजें आपके पास? हमारे पास वड़ा पाव मिलेगा, पाव भाजी मिलेगा, लाव पुलाव मिलेगा और चाइनीज का आइटम मिलेगा। ठीक है, देखते हैं कैसी है आपकी चाय। फिर एक बार हमने यहाँ पर कुल्लड़ चाय और वड़ा पाव लिया और साथ में पाव भाजी भी ली और हमें तीनों ही चीज़ों का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। आप भी यहाँ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से अब हम पटनी टॉप के लिए जाएंगे। कटरा से पटनी टॉप का डिस्टेंस 87 किलोमीटर का है। वहाँ जाने के लिए हमने शुभम ट्रैवल से इनोवा बुक की है जो कि 9500 रुपये में हुई है। नाइट स्टे हम पटनी टॉप में ही करेंगे और इस टूर में हम पटनी टॉप के अलावा नत्था टॉप और सनासर लेक भी जाएंगे। वापसी में अब हम जम्मू का रघुनाथ टेम्पल जाएंगे। पटनी टॉप जाने वाले टूरिस्टों में से ज़्यादातर टूरिस्ट वैष्णो देवी माता के दर्शन करने वाले ही होते हैं। कटरा से पटनी टॉप का टूर आप एक दिन में भी कर सकते हैं। सुबह कटरा से गवर्नमेंट की बसेज भी चलती हैं और प्राइवेट टैक्सी भी चलती है जिसमें भी आपकी सुविधा उसमें आप जा सकते हैं और शाम को वापस आ सकते हैं। यहाँ हम चाय पीने के लिए रुके हैं। यहाँ हमें पता लगा है कि पटनी टॉप से 4 किलोमीटर पहले कुद आता है और वहाँ का पतिस्ता बड़ा ही फेमस है। तो हमने डिसाइड किया है कि पहले कुद में ही ब्रेकफास्ट करेंगे और पतिस्ता भी परचेज करेंगे। हम यहाँ कुद में जो पटनी टॉप से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है प्रेम दी हट्टी पर आए हैं। यहाँ का पतिस्ता सारे कश्मीर में जम्मू में फेमस है। ये पतिस्ता है और मुंह में डाल के ऐसा लगता है बिल्कुल मक्खन की तरह पिघल गया है। सर, किस चीज की प्रिपरेशन है ये? सर, किस चीज से बनाते हैं बताइए जरा। बेसन और देसी घी से बनता है जी। और सबसे पुरानी शॉप है जी। क्या रेट है सर इसका? रेट 360 रुपए किलो। यहाँ पर प्रेम दी हट्टी और प्रेम स्वीट्स के नाम से 2 शॉप्स हैं और दोनों का ही पतिस्ते का टेस्ट बड़ा ही लाजवाब है। पतिस्ते के अलावा यहाँ चॉकलेट बर्फी भी बहुत ही अच्छी है जो कि 400 रुपए किलो है। पतिस्ता लेने के बाद कुद में ही हमने अमर वैष्णव ढाबा पर ब्रेकफास्ट किया। यहाँ का टेस्ट हमें अच्छा लगा और यहाँ रेट भी रीजनेबल मिले। कटरा से पटनी टॉप जाते हुए पटनी टॉप पहले आता है, उसके बाद नत्था टॉप और उससे आगे सनासर लेक आती है। सो हमने डिसाइड किया है कि हम पहले सनासर लेक जाएंगे और वापसी में नत्था टॉप होते हुए पटनी टॉप आएंगे। पटनी टॉप से सनासर 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बीच में नत्था टॉप भी आता है और नत्था टॉप से आगे उतराई शुरू हो जाती है और फिर सनासर आता है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ सनासर लेक पहुँच गए हैं और ये सामने JKTDC का होटल मैपल है। देखने में इसकी कंडीशन ठीक ठाक ही लग रही है। जम्मू के रामबन रीजन में सना और सर दो गांव हैं और दोनों गांवों के नाम पर ही इस झील का नाम सनासर पड़ा है। सनासर लेक बहुत ही सुंदर और एकदम बिल्कुल नेचुरल है। सनासर लेक के चारों तरफ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है, बिल्कुल नेचुरल है ये। और यहाँ पर जो भी प्रकृति प्रेमी है वो यहाँ आके 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितने दिन भी चाहें रह सकते हैं। यहाँ JKTDC की हट्स बनी हुई हैं जिनको आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ सनासर लेक पे
घोड़े की राइड बुक की है। ये पूरे 6 पॉइंट है यहाँ पर, ये हमें दिखाएंगे और ये 300 रुपये में हुई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है घोड़े की राइड। यहाँ पर बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स का मैदान भी है और साथ ही साथ यहाँ एक छोटे से एरिया में ट्यूलिप गार्डन भी बना हुआ है जो कि श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन की तर्ज पर ही है। यहाँ पर मई जून में ट्यूलिप्स आते हैं। गाइस, ये इको पॉइंट है, यहाँ का व्यू बड़ा ही अमेजिंग है। यहाँ पर मूवी सनम बेवफा की शूटिंग हुई थी और इसके साथ एक विशेष बात और है कि यहाँ जो भी हम जोर से आवाज़ निकालते हैं वही गूंज कर वापस आवाज़ अपने पास आ जाती है। यहाँ पर हम सभी ने हॉर्स राइडिंग को अच्छे से एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पर 1400 साल पुराना नाग टेंपल भी बना हुआ है जिसकी यहाँ के लोगों में काफ़ी आस्था है। गाइज, ये एलिफेंट ट्री है, इसमें हाथी की सूंड जैसी नेचुरल शेप बनी हुई है। गाइज, यहाँ पर जिप लाइनिंग भी है जो कि लेक के ऊपर ही बनी हुई है। जब कभी आप यहाँ आए और आपका मन हो जिप लाइनिंग करने का तो आप इसके ऊपर कर सकते हो। गाइज, ये पवन सिंह जी हैं और ये चैन सिंह जी हैं, इन्होंने हमें घोड़े की अच्छे से राइड कराई, घोड़े इनके वेल ट्रेंड है। सामने गिल्ली सिंह जी हैं, तो आप जब भी कभी आए इनकी सेवाएं ले सकते हैं, अच्छे से एंजॉय कराया इन्होंने हमें। थैंक। सनासर लेक पर 2 से 2.5 घंटा हमने एंजॉय किया। हमें यहाँ से आज ही जाना होगा क्योंकि हमारा आगे का प्रोग्राम भी है, लेकिन यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। अब वापसी में नत्था टॉप होके पटनी टॉप जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ नत्था टॉप आए हैं। ये जगह पटनी टॉप और सनासर लेक के सेंटर में है और ये लगभग 2700 मीटर की हाइट पर सिचुएटेड है। यहाँ अभी फ़िलहाल स्नोफॉल नहीं हुआ है, यहाँ स्नोफॉल दिसंबर के बीच में और जनवरी में होता है, लेकिन सामने हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पे बर्फ़ आसानी से देखी जा सकती है। जो भी बर्फ़ में खेलना या एडवेंचरस एक्टिविटी करना चाहते हैं वो लोग दिसंबर में और जनवरी में यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर अभी बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही हैं और यहाँ बहुत ही ठंड महसूस हो रही है। यहाँ से हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों का बड़ा ही अमेजिंग व्यू आता है और नीचे की तलहटी में जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ 1 घंटा लगाने के बाद हम यहाँ से पटनी टॉप के लिए चले। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पटनी टॉप पहुँच गए हैं और ये पटनी टॉप का रोपवे है। यह ये लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई का रोपवे है और ये एशिया के सबसे ऊंचे रोपवे में से एक है और इसमें चलने के 15 मिनट का समय लगता है। हालांकि अब ये फ़िलहाल बंद है और हम इसमें जा नहीं पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पटनी टॉप के मेन पार्क में आए हैं। यहाँ पर GTB बाइक्स की राइड भी हैं और पर राइड का 200 रुपये चार्ज करते हैं जो कि 1 किलोमीटर की होती है। यहाँ पार्क के अंदर भी बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और धूप भी खिली हुई है। यहाँ पार्क के अंदर ही JKTDC की हट्स भी बनी हुई है जिनको हम JKTDC की साइट पे जाके ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए छोटे छोटे गेम्स भी हैं जिनमें बच्चे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पडोरा चौक के चिल्ड्रन पार्क में आए हैं। ये पार्क भी देखने में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी JKTDC की हट्स बनी हुई हैं जिनको आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं।
इसके साथ ही यहाँ पर कई तरह की एक्टिविटीज हैं जिनमें हॉर्स राइडिंग, जिप लाइनिंग वगैरह और कई तरह के गेम्स भी हैं। सो आप अच्छे से यहाँ एक दो घंटा इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहां पार्क में एक डेढ़ घंटा अच्छे से एंजॉय करने के बाद बाहर आ गए हैं। यहां पार्क के गेट के पास ही पेट पूजा फूड जंक्शन के नाम से शॉप बनी हुई है। यहां पर हमने चाय और गर्म पकौड़ों का टेस्ट किया जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगा। अब हम यहां से अपने होटल रूम में जाएंगे और रात को वहां रेस्ट करेंगे। अब आपसे मॉर्निंग में मुलाकात होगी। सो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम रेडी हैं आगे के प्रोग्राम के लिए, और लेकिन उससे पहले हम कश्मीरी कहवा पियेंगे जो हमें होटल रूम में ही अवेलेबल हो गया है। सो गाइस, ये कश्मीरी कहवा है और इसका टेस्ट हमें काफ़ी अच्छा लगा। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पटनी टॉप में होटल नटराज इंटरनेशनल में ऑनलाइन रूम बुक किया था जो कि 2800 रुपये में हुआ था, और यहाँ के रूम वगैरह अच्छे वेल मेंटेन हैं और यहाँ रूम सर्विस भी अच्छी है। यहाँ हमने डिनर भी रात को होटल में ही किया था, उसका टेस्ट भी हमें अच्छा लगा। तो आप जब भी कभी आए यहाँ ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम यहाँ सबसे पहले नाग मंदिर में आए हैं। ये यहाँ का फेमस और काफ़ी पुराना मंदिर है। सो गाइज, ये यहाँ का फेमस नाग टेम्पल है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, और यहाँ एक बात और है, मंदिर के गर्भगृह के अंदर लेडीज़ की एंट्री नहीं है। सो गाइज, हमने यहाँ भी नाग टेम्पल में दर्शन किए हैं। यहाँ से अब हम जम्मू जाएंगे क्योंकि वहीं से हमारी रात की वापसी की ट्रेन है। दिन में हम वहाँ श्री रघुनाथ जी मंदिर में दर्शन करेंगे और आपको भी उसके बारे में बताएँगे। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ जम्मू पहुँच गए हैं। यहाँ हम श्री रघुनाथ जी मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, सो वो हमें लॉकर रूम में ही रख के जाने पड़ेंगे। सो गाइस, हमने अभी यहाँ श्री रघुनाथ जी टेंपल में दर्शन किए हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी के मंदिर के अलावा 12,25,000 शालिग्राम स्थित हैं, और यहाँ पर एक 200 साल पुराना नर्मदेश्वर महादेव जी भी हैं जो शिवलिंग में ही पूरा शिव परिवार विराजित है। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो यहीं तक है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।